हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हमारा भाग 15वां पढ़ने वाले हैं सॉल्व पेपर का, जो पिछले 5 वर्षों के हल पेपर हैं। इसमें हमने 2018 का इतिहास कर लिया था, जो हमारे पेपर फर्स्ट का है, और पेपर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था भूगोल के 3 नंबर 6 नंबर 15 नंबर के प्रश्न कर लिए थे। और आज हम पढ़ने हैं पॉलिटी का। कल मैंने आपको 3 नंबर के करवा दिए थे और आज हम 6 नंबर वाले, और मैंने कुछ 6 नंबर के भी करवा दिए थे। जो बचे हुए 6 नंबर हैं वो हम अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और फ्रेंड्स, ये 2018 15 16 14 है ना, 2014 से 18 तक के जो पूरे पेपर, उसकी बुकिंग आज लास्ट दिन है। बुकिंग से मतलब है, अगर आप आज तक करते हैं तो आपको केवल 1500 रुपये देना होगा। अगर आप आज के बाद कल आपका बुकिंग होता है तो आपको 1850 रुपये चार्ज लगेगा। मतलब आज तक के लिए आपका 1500 रुपये है, क्योंकि अभी आपका कुरियर चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही जिसने मेरा पूरा नोट्स का पूरा पैकेज लिया है 8500 रुपये वाला, उसके लिए 1000 रुपीस चार्ज रहेगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं, यहाँ आपको इसमें 5 फाइलें मिलेंगी सॉल्व पेपर की, जैसे कि 2014 से 2018 तक हिस्ट्री का अलग मिलेगा, ज्योग्राफी का अलग, इस प्रकार से 5 पेपर का, हिस्ट्री ज्योग्राफी का एक अलग मिलेगा, और सेकेंड पेपर का अलग मिलेगा, थर्ड पेपर का, ऐसे पेपर वाइज आपको जो है 5 पेपर की फाइलें मिलेंगी। तो ताकि आपका जब एग्ज़ाम टाइम हो तो आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर पढ़ें और आप रिविज़न करके चले जाएं। जो हम नॉर्मली सॉल्व पेपर लेते हैं फ्रेंड्स, मैं हमेशा यही बताती हूँ कि सॉल्व पेपर जैसे कि पुणेकर और महावीर तक्षशिला, ये मार्केट में हमारे उपलब्ध है, लेकिन इनमें जो है बहुत ज़्यादा पार्ट दिया हुआ है, बहुत सारा लिखा हुआ है, हमको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कितना छोड़ना है, कितना लिखना है, 3 नंबर कैसे लिखना है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, 3 नंबर है तो 3 पॉइंट में लिखा है, 6 नंबर है तो 1 पेज में लिखा है, 15 नंबर है तो 3 साढ़े 3 पेज में लिखा है। तो इस प्रकार से आंसर फ्रेम किया हुआ है, जिस तरीके से परीक्षा की, जहाँ पर हमारे एग्ज़ाम की डिमांड होती है उसी प्रकार से क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। जहाँ मैप की ज़रूरत है वहाँ पर मैप बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बुकिंग तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कल से जो प्राइस है वो 1850 रुपये रहेगा। भारत में ग्रामीण नौकरशाही तथा उसकी पंचायती राज संरचनाओं में धरातलीय स्तर पर भूमिका का आकलन करो। 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये, टू आई ABCD करके नंबर्स आते हैं वहाँ पे, तो आई नंबर का प्रश्न है ये कि भारत में ग्रामीण नौकरशाही तथा उसकी पंचायती राज संरचनाओं में धरातलीय स्तर पर भूमिका, जो ग्रामीण नौकरशाही है और पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी क्या भूमिका है धरातलीय स्तर पर। तो ग्रामीण नौकरशाही क्या होती है, तो पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक विकास कार्यों में संलग्न नौकरशाही, मतलब तो सबसे छोटा स्तर होता है प्रशासन का पंचायत स्तर से लेकर जो उच्च स्तर है वहाँ तक जो नौकरशाही काम कर रही है, वो जो पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक जो भी नौकरशाही काम करेगी वो ग्रामीण नौकरशाही कहलाएगी। इसमें पंचायत सचिव से लेकर ब्लॉक प्रमुख पर जनपद पंचायत के अधिकारी शामिल होते हैं। पंचायत सचिव जो ग्रामीण स्तर पर पंचायत का होता है, फिर ब्लॉक ऑफिस में जो जनपद अधिकारी होते हैं वो शामिल होते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद शासन की तीसरे स्तर की संरचना का निर्माण किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास व स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने का संकल्प समाहित है। 73वें संविधान संशोधन में ये संकल्प किया गया। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सलाह और लिए गए निर्णयों को अमली जामा पहनाने या उनका कार्यान्वयन करने में ग्रामीण नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुनेंगे और जो उनके सलाह के लिए जो निर्णय लेंगे उनको कार्यान्वयन करने में ग्रामीण नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि यह देखा गया है कि ग्रामीण नौकरशाही में विकास की भूख कम और भ्रष्टाचार की लिप्सा ज़्यादा होती है। क्या देखा गया है कि जो ग्रामीण नौकरशाही होती है उसमें विकास जो होता है कि उनको ये लगता है कि विकास तो कम किया जाए लेकिन हमें ज़्यादा पैसा हम ज़्यादा कमा लें, तो मतलब भ्रष्टाचार की लिप्सा ज़्यादा रहती है। ग्रामीण विकास के फंड का दुरुपयोग स्थानीय स्वशासन की हवा निकाल देता है। जो ग्रामीण विकास में जो फंड मिलता है उसका दुरुपयोग होता है, जिसके कारण स्थानीय स्वशासन के कोई भी काम नहीं हो पाते हैं। ग्रामीण विकास की कितनी भी अच्छी योजनाएं तैयार की जाएं, लेकिन जब तक ग्रामीण नौकरशाही दक्ष और प्रतिबद्ध नहीं होगी, ग्रामीण विकास की परिकल्पना अधूरी ही रहेगी। तो इस प्रकार से हमने ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन जो है 1 पेज में कम्प्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोई 2 प्रमुख राजनीतिक दल बताओ, उनकी विचारधारा बताओ और उनके कार्यक्रम बताओ। कोई भी हमें 2 राजनीतिक दल बताना है, उनकी क्या विचारधारा है, उनके क्या कार्यक्रम है, ये बताना है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मतों की संख्या महत्वपूर्ण होती है। लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली होती है उसमें
जो मत होते हैं कि कितने जनता महत्वपूर्ण होती है, मतलब जनता कितने मत दे रही है, तो ये मत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे अपने पक्ष में लामबद्ध कर राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो मतों को ही एक मत, मतलब एक व्यक्ति रहता है, जितना मत होगा उस जगह से उतना व्यक्ति होगा। तो जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो नेता होते हैं वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों को अपने अधिकार में कर लिया जाए। इन मतों को लामबंद करने हेतु राजनीतिक दल कुछ आधारों का प्रयोग करते हैं, मतलब इनके लिए कुछ आधारों का प्रयोग भी किया जाता है। ये आधार दलों के निर्माण स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। ये जो आधार होते हैं ये दलों का निर्माण स्रोत के रूप में जाना जाता है। जैसे कि धर्म जो होते हैं राजनीतिक दल का प्रमुख रख, किस आधार पर राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करते हैं, लोगों को जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो किस बेस पे बनाते हैं, तो सबसे पहला होता है धर्म। धर्म राजनीतिक दल का प्रमुख सामाजिक आधार रहता है। धर्म के बेस पे ज़्यादातर लूटर इस धर्म को ज़्यादा महत्व दो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इन धर्म को मेन जो होता है चुनाव में उठाया जाता है, जो वोटिंग का आधार बनते हैं। दूसरा है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार मतलब गरीबी को मेन उठाया जाता है कि हम गरीबों के नेता हैं, हम गरीबों के लिए ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो आर्थिक आधार पर राजनीतिक दलों के जो प्रमुख होते हैं, आर्थिक दलों के मतलब आर्थिक आधार राजनीतिक दलों के प्रमुख स्रोत होते हैं। जैसे कि उदाहरण हम देखा जाए तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी जो आर्थिक आधार पर ही बनी है। क्षेत्रीय आधार पर भी राजनीतिक दलों का गठन होता रहता है। क्षेत्रीय आधार पर मतलब उस क्षेत्र में बन जाते हैं, जैसे कि हम पंजाब का अकाली दल देख लें, झारखंड का मुक्ति मोर्चा देख लें, तो ये क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक दल बन, हमारे अभी मध्य प्रदेश में भी एक पिछड़ा वर्ग का बन गया था। तो इस प्रकार क्षेत्रीय आधार पर भी राजनीतिक दलों के गठन हो जाता है। जाति, प्रजाति, भाषाई आधार पर भी राजनीतिक दलों का गठन होता है। भाषाई आधार पर जैसे अकाली दल है, पंजाबी भाषा के जितने भी हैं, तो ये जो भाषाई आधार पर जो राजनीतिक दल का गठन होता है, तो ये मेन मुद्दे हैं जिनके आधार पर छोटे छोटे राजनीतिक दल बन जाते हैं। जब भी कोई बड़ा दल होता है वो अपने जब उनकी वोटिंग में कम होते हैं तो इन छोटे दलों को दलों से अपना वोट लेकर और अपने जो मत हैं उनको ज़्यादा कर लेते हैं। मनोवैज्ञानिक साम्यता भी राजनीतिक दलों का निर्माण का आधार है। मनोवैज्ञानिक जो साम्यता होती है वो भी राजनीतिक दलों के निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दलों की विचारधारा व कार्यक्रम है, किस प्रकार से राजनीतिक दल विचारधारा होती है, किस प्रकार से वो व्यक्तियों को, किस प्रकार से वो मत पाने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। निष्कर्षता, किसी विशिष्ट मुद्दे पर समान मत रखने वाले लोग भी राजनीतिक दल का निर्माण कर लेते हैं। कोई मुद्दा है, अब कोई मुद्दा है जैसे कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, उस पर सब जिन के लोगों की सेम राय है, तो इस प्रकार से एक दल उस प्रकार से भी बन जाता है। तो इस प्रकार के मुद्दे भी राजनीतिक दल का निर्माण कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर मेरे फुल पैकेज भी लेना चाहते हैं नोट्स का, ये मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि ये मेरा फुल पैकेज है, इसमें आपको ये पूरे 21 फाइल मिलेंगी, 21 फाइल पूरे प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मिलेंगी, सॉरी 25 फाइल मिलेंगी, 21 टॉपिक है, ये 25 फाइलें आपके घर तक पहुंचेंगी। वाइंडिंग है, ग्लॉसी सीट है, पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉपी खोलने में, पढ़ने में एक अट्रैक्टिव लगेगा, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इनके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी, जिसके जहाँ पे आपको जो भी मेरा पूरा पैकेज लेगा उसके लिए पूरी टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी, पूरी टेस्ट सीरीज़ मुफ्त रहेगी। और यहाँ पे 21 ग्रुप आपको मिलेंगे। 21 पेड ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे आपको रिविज़न आंसर दिए जाएंगे, और ये ग्रुप 2021 का जो मेन्स होगा आपका अगला वाला, तब तक के लिए आप इसमें जुड़े रहेंगे, जहाँ आपको रिविज़न आंसर्स दिए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, आपकी यहाँ पर बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। और आपका इसका पूरा पैकेज 8600 रुपये का है। साथ में अगर आप ये मेरा सॉल्ट पेपर लेना चाहते हैं तो सॉल्ट पेपर की कीमत फॉर टुडे 1500 रुपये है। तो अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायपालिका हित प्रहरी रक्षक है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायपालिका जो है वो प्रहरी है, इसको समझाइए। तो संविधान की व्याख्या करना तथा रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य है। संविधान की व्याख्या करना, रक्षा करना किसका कार्य है, सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। जब कभी संविधान की व्याख्या के बारे में कोई मतभेद उत्पन्न होता है कि संविधान में ये क्या है, कहाँ है, कैसा है, तो इसके बारे में जो स्पष्टीकरण है वो सर्वोच्च न्यायालय देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या को अंतिम तथा सर्वोच्च माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों का पुनरावलोकन का भी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों के पुनरावलोकन का भी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय जो व्यवस्थापिकाएँ रहती हैं, कार्यपालिका रहती है, जो भी कार्य करते हैं उनको पुनरावलोकन मतलब उनको देखने का अधिकार है, पुनः अवलोकन करने का अधिकार है।
यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि कानून संविधान का जो उल्लंघन करता है और ये पता चल जाए, तो वह कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता कायम रखता है। संविधान की धारा 32 के अनुसार न्यायालय का यह भी उत्तरदायित्व है कि वह मूल अधिकारों की रक्षा करे। इन अधिकारों की रक्षा के लिए यह न्यायालय निम्न रिट जारी कर सकता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध अधिकार, पुच्छा और उत्प्रेषण। लेकिन इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रहरी और एक रक्षक की तरह काम करता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। अगर आप जो PDF लेना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, तो उसका पैकेज 5200 रुपये है। तो आप मुझे किसी भी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये जो नंबर लिखा, अगर आप सॉल्व पेपर नोट्स लेना चाहते हैं। यकीनन आपकी तैयारी में ये मील का पत्थर साबित होंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।